गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर पीजे टाइटस फ्रॉम सालन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेन ऑन द रूफ। दिस इज पॉइंट नंबर थर्ड फ्रॉम द बुक ऑफ बिहाइव एंड एस आई टोल्ड यू पॉइंट नंबर थ्री। एंड माई लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस दैट द समरी ऑफ द पॉइंट। And today we are going to discuss the stanza. So if you have book, so please open your book and read the stanza. And I will read the stanza at the same time. I will explain you also. So let's begin. So आइए हम शुरू करते हैं. If newly anyone watching this video lecture, please subscribe this channel and share this video to your friends and relatives also. तो पिछले कल जो है हमने और उसका समरी को देखा था ये पोएम का, और आज उसको स्टांजा वाइज हम क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और आपके पास अगर बुक है तो खोल करके देखें। When the humid showers hover over all the starry spur and the melancholy darkness gently weep in the rain tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ पे पॉइंट जो है इस प्रकार कहते हैं कि जिस समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है आसमान में, ठीक है, और ह्यूमिडिटी जो चारों ओर छा जाता है, और तभी क्या होता है कि डार्कनेस होता है, ठीक है, आसमान में डार्कनेस होता है। वो डार्कनेस एक प्रकार का मिलान के लिए है आसमान के लिए, यानी जो डार्कनेस है वो आसमान के लिए एक दुखदायक अवस्था के साथ उसको तुलना करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पानी गिरता है, बारिश होता है, ये बारिश आसमान के जो आंसू है ना, उसके साथ वो तुलना करते हैं। नेचुरली अगर हम देखते हैं बारिश कैसा होता है, इवापोरेट की प्रक्रिया होता है, फिर कंडेंसेंस होता है, बादल जब भारी होने लगता है और तभी क्या होता है बारिश होना चालू हो जाता है। लेकिन इस फर्स्ट अंजाम में यहाँ पे पॉइंट क्या करते हैं कि ये जो मतलब बादल को एक सैड के नज़र से देखते हैं, यानी आसमान का दुख भरी हालत बताते हैं, और साथ ही साथ जब आसमान बहुत ही दुखी हो जाती है तब वो क्या करती है, वो रोने लगती है ना, और रोने लगती है ऐसा वो बताते हैं। तो जब कोई व्यक्ति रोता है तो डेफिनेटली उसके अंदर से क्या निकलता है कि वो जब कोई रोता है तो इस दशा में क्या होता है कि उसको रोते रोते उसके आँख में से आंसू निकल जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब बादल मतलब मेघ या तो फिर आसमान दुखी होती है, और तब वो भी क्या करने लगती है, रोने लगती है। तो जैसे वो रोने लगती है तब और जो बारिश आंसू बन करके नीचे टपकने लगती है। तो ये पॉइंट का एक इमेजिनेशन है, ये पॉइंट का एक थिंकिंग है। फिर उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। तो बारिश के जितने भी बूंद और मेरे छत के ऊपर गिरता जाता है तो उतने ही मेरे हृदय में एक इको तरह साउंड होना चालू हो जाता है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजिंग स्टार्ट। फिर उसके बाद पोएट कहते हैं कि इस बारिश की आवाज़ को सुनते सुनते मैं सपने की दुनिया में खो जाता हूँ, बहुत सारे सपना को मैं देखना चालू कर देता हूँ। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन वेव देयर एयर एंड आर थ्रेड इनटू होप As I listen to the pattern of the rain upon the roof। तो जैसे रूप का आवाज़ आता है और तुरंत मेरे जो बीते हुए कल, बीते हुए दिन का जो बात है
वो मेरे मतलब मन में आ जाता है। पॉइंट यहाँ पे यही कहते हैं कि उनके जो बीते हुए जो दिन हैं वो सारे दिन उनको याद आ जाते हैं, यानी गुजरा हुआ जो समय है वक्त है वो सब कुछ उनको याद आता है। फिर एक बार वो क्या करते हैं, वो गुजरे हुए समय को और आज के समय को क्या करते हैं, वो तुलना करने लगते हैं। फिर वो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, ठीक है ना, यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह से क्या करना चाहिए, ये जो आवाज़ आती है और आवाज़ से ये सपनों को दुनिया में खो जाते हैं। खाली उतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ वो और क्या हो जाते हैं कि वो अपने बीते हुए पल को सब कुछ ये याद करने लग जाते हैं। तो उसका थर्ड स्टैंजा इस प्रकार बताता है, नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर आज सी यूज इन ईयर्स अगो। ये बारिश के साउंड जब मैं सुनता हूँ तब मुझे मेरी मदर भी याद आ जाती है, ठीक है। पॉट यहाँ पे कहते हैं मुझे मेरी मदर भी यहाँ पे याद आ जाती है, जो कि कुछ साल पहले तक तो मेरे साथ थी लेकिन आज मेरे साथ नहीं है। वो मतलब गुजर चुकी है, ये संसार को छोड़ करके वो जा चुकी है, अब मेरे पास वो नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एंड सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, ओ आई फील हर अ फॉन्ड लुक ऑन मी As I list on this retain, which is played upon a single by the patter of the rain। तो फिर क्या होता है कि वो कहता है कि बारिश की आवाज़ जैसे सुनता हूँ मुझे मेरी मदर याद आने लगती है। क्या क्या याद होता है, मदर किस प्रकार से मुझे प्रेम करती थी, किस प्रकार से मुझे डार्लिंग का दर्जा देती थी, है ना, और माँ मेरी कितना ख्याल रखती थी, है, और माँ मेरे लिए क्या सोचती थी, माँ मेरे लिए क्या भावनाओं को रखती थी। ये सारे बातों को वो याद करने लगता है, ये सारे बातें उसके दिमाग में आना लग जाता है। तो ये तीनों स्टांजा में तीन 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 प्रकार की बातें को वो बताता है। पहले स्टांजा में आसमान के हालत के बारे में बताता है, कल्पना करता है कि आसमान रोती है और जब वो रोती है मतलब जब वो दुखी होती है, यानी काले बादल जब भर जाता है तब वो दुखी होती है और दुखी होने के बाद वो रोना चालू कर देती है, और जैसे वो रोना चालू करती है तो वो बारिश बन करके धरती पे टपकता है। फिर दूसरा सांझा में वो कहते हैं कि मान लीजिए उनको जैसे वो रेन की आवाज़ को सुनते हैं तो रेन की आवाज़ को सुनने के साथ साथ फिर क्या होता है कि वो विशेष रूप से इस बातों में आ जाते हैं, रेन की आवाज़ सुनने के साथ साथ वो कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं, अपने पूरे अतीत को याद करते हैं, अपने बीते हुए कल को याद करते हैं और साथ ही साथ वर्तमान के साथ उसको कंपेयर करते हैं, और जैसे उनको अपना अतीत याद आता रहता है वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस भी करते जाते हैं, करते रहते हैं। फिर थर्ड स्टांजा में ये इस बात को बताते हैं कि इस स्टांजा पूर्ण रूप से हमको ये बात सिखाता है, ये बात बताता है कि वो किस प्रकार से मतलब अपना मदर का जो साथ बिताया हुआ पल है उसको याद करते हैं। अब संसार में उसके पास कोई भी नहीं है, अपना बोले तो कोई है या नहीं है इसके बारे में पता नहीं है, फादर है और सिबलिंग्स मतलब उसके भाई बहन है इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं जा रहा है, लेकिन जरूर इतना है कि वो अपना मदर को मिस करता है। उस बारिश से वो फिर से थोड़ी बहुत तो शोकाकुल कंडीशन में आ जाता है, थोड़ी बहुत तो एक उदास और दुखी कंडीशन में आ जाता है और उसे अपनी मदर की याद आने लगता है। थोड़ी बहुत खुशी इस बात की होती है उनको जब उनको मदर उसको जो प्यार से डार्लिंग करके बुलाती थी, उसको केयर रखती थी
और उसको संभालती थी, उसके जीवन का हर जरूरत को पूरा करती थी। ये सभी के बातों को लेकर के तो उसको बड़ा खुश लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ अपोजिट साइड में और एक दर्द उसके अंदर आ जाता था। दर्द क्या था? दर्द क्या है कि माँ अब उसके पास नहीं है। ये दोनों प्रकार का फीलिंग उनके अंदर कार्य करता है। तो ऐसा ही है। और ये जो पॉइंट जिसने मतलब ये पॉइंट को जिसने लिखा है, जिसका नाम है कॉटेस कैनी, ठीक है, कॉटेस कैनी। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे पूरा होता है। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।